लेकिन पता नहीं मेरे दोस्त एसएससी जीडी को हो क्या गया है, हमारे फीलिंग्स के साथ बिल्कुल ही खिलवाड़ कर रही है। अब आपके मन में आया होगा कि भैया दोस्त एक बार एसएससी रिजल्ट जारी कर दे, एसएससी जीडी रिजल्ट जारी कर दे, जिससे कि हमें पता लग जाए कि हाँ कौन पास है, कितना कट ऑफ गया, हमें फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। संतोषजनक जवाब नहीं मिल पा रहा है, मैंने आरटीआई लगाई, ये एसएससी जीडी कर क्या रही है समझ में नहीं आ रहा है। जल्दी ही आरटीआई लगाकर आपको जवाब मिल जाएगा, क्योंकि मैंने आरटीआई लगा दिया है। दोस्तों एसएससी जीडी एक तो फिजिकल का रिजल्ट जारी कर नहीं रही है, और ऊपर से ये नोटिस वायरल हो रहे हैं। हमारे मन में, हमारे भाइयों के मन में हमेशा ये सवाल आ रहे हैं, रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। तो मेरे दोस्त एक बार एसएससी रिजल्ट जारी कर दे, एसएससी जीडी रिजल्ट जारी कर दे, जिससे कि हमें पता लग जाए कि हाँ कौन पास है, कितना कट ऑफ गया, हमें फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए या ना चाहिए। उसके बाद उनको जो फॉर्मेट में बदलाव करना है करते रहे, लेकिन एक बार एसएससी जीडी रिजल्ट तो जारी कर दे। आज के वीडियो में जानेंगे कि हमने किस पर आरटीआई लगाई है, एसएससी जीडी क्यों हमारे साथ खिलवाड़ कर रही है, क्यों हमारे ज़िंदगी को बर्बाद कर सकती है। तो चलो वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। नीचे दिख रहे काले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो मेरे भाई एसएससी जीडी का फिजिकल का जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक तो नोटिस वायरल होते रहेंगे, नोटिस की चिंता नहीं करना। लेकिन सबसे जो मेन कारण है वो है एसएससी जीडी के फिजिकल का रिजल्ट, क्योंकि एसएससी जीडी के फिजिकल का रिजल्ट 7 मई को ही जारी कर दिया जाना था, क्योंकि हमारी बात हुई थी एक मिनिस्ट्रियल में, उस्ताद साहिबान है, उन्होंने बताया था कि 7 मई को रिजल्ट आपका आ जाएगा, लेकिन नहीं आया। इसके लिए हाथ जोड़कर मैं आपसे सॉरी मांगता हूँ। लेकिन अब जब बात हो रही है तो किसी भी प्रकार का संतोषजनक जवाब नहीं मिल पा रहा है। मैंने आरटीआई लगाई है, जल्दी ही आरटीआई का रिप्लाई आ जाएगा, क्योंकि मैं अभी घर पर हूँ इसलिए मुझे इनफ समय मिल रहा है, मैं छुट्टी पर घर पर आया हुआ। सबसे पहले देखो कि ये तो एक तो आचार संहिता लागू हो गया, चुनाव आ गया, ये सब होना है, क्योंकि ये सब एक प्रोसीजर है, इसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन एसएससी जीडी आखिर रिजल्ट जारी कर क्यों नहीं रही है, इसे जल्दी ही रिजल्ट जारी कर देनी चाहिए। हम मानते हैं इन्होंने फिजिकल में बदलाव किया, ग्राउंड पर लाया, रोड के बदले आरएफआईडी चिप लगाई, इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस बने गए, बड़े बड़े यूट्यूबर्स हमारे भाई लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करके लिए आपके वीडियोज़ बनाई। अगर आप मेरी बातों से अग्री हो कि एसएससी जीडी एक बार फिजिकल का रिजल्ट जारी कर दे, उसके बाद जितने नोटिस लाने हैं, जितने बदलाव करने हैं, वो बदलाव करते रहे, एक बार कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताओ कि हाँ भैया एसएससी जीडी का फिजिकल का रिजल्ट जारी कर देना चाहिए। अब आप खुद सोचो, ऐसा तो जरूरी नहीं है कि भैया फिजिकल का रिजल्ट जारी कर देंगे तो फिजिकल जल्दी से जल्दी कंडक्ट करवाना ही पड़ेगा, ऐसा कोई एसओपी नहीं है, ऐसा कोई रूल्स नहीं है। हाँ, आप एक बार एसएससी जीडी का फिजिकल जारी कर दो, जिससे कि हमारे शेर शेरनियों को पता चल जाए कि फिजिकल का कट ऑफ क्या गया, रिजल्ट क्या आया, हमें एसएससी जीडी के फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए या ना चाहिए। उसके बाद आप मंगल ग्रह पर दौड़ा लो, हम दौड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन पता नहीं मेरे दोस्त एसएससी जीडी को हो क्या गया है, हमारे फीलिंग्स के साथ बिल्कुल ही खिलवाड़ कर रही है। अब आपके मन में आया होगा कि भैया एसएससी जीडी के फिजिकल का रिजल्ट कब आएगा, आपने 7 मई को बोला था लेकिन आप एक भी वीडियोज बना नहीं पा रहे हैं। देखो मेरे दोस्त, मैं आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि भारत सरकार इतना मुझे पैसे दे देती है कि मुझे लाइक सब्सक्राइबर और व्यूज नहीं चाहिए, मुझे बस आपसे जुड़ना है, आपसे एक प्यार है, इसलिए हम वीडियोज बनाते हैं। इसलिए कमेंट बॉक्स में आके जरूर बोलना कि एक बार एसएससी जीडी रिजल्ट जारी कर दे, उसके बाद इनको जो फॉर्मेट में चेंजेस लाना है, जो करना है करते रहे। कभी नोटिस वायरल हो रहे हैं कि अब रोड के बदले ग्राउंड में आएंगे, आरएफआईडी चिप लगेगी, तो कभी ये टेंडर निकाल रही है कि भैया मुझे सीसीटीवी चाहिए, ढेर सारे इक्विपमेंट्स चाहिए, तो कभी बोल रहे हैं कि अब ये टेंडर 13 मई तक तो कंप्लीट ही होगा। मतलब बस बच्चों की फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ है, एसएससी जीडी बस हमारे लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रही है। लेकिन जल्दी ही आरटीआई का जवाब आ जाएगा और मैं आपको बता दूंगा कि एसएससी जीडी के फिजिकल का रिजल्ट किस दिन जारी किया जा सकता है। लेकिन मेरे दोस्त घबराना नहीं है, संयमित रखना है, पेशेंस रखना है, ये दौर है, हम समझ सकते हैं, हम आपके फीलिंग्स की कदर करते हैं, समझ सकते हैं आपके ऊपर क्या गुजर रहा है, क्योंकि मैं भी 2018 का बंदा हूँ। हमारे भी समय में उतने ज़्यादा यूट्यूब चैनल नहीं थे, एकाध थे कमांडो एकेडमी विराट सर वाले जो वीडियोज देखते थे, लेकिन आजकल तो ढेर सारे चैनल हो गए हैं, उस समय एक आधा चैनल हुआ करते थे। तो घबराना नहीं है, रिजल्ट जल्दी ही आ जाएगा। लेकिन ये तो बात तय है भैया कि एसएससी जीडी हमारे फीलिंग्स को नहीं समझते, ये गवर्नमेंट पता नहीं इनको क्या हो जाता है, ये कर क्या रहे हैं। अरे भाई साहब, एक बार रिजल्ट जारी कर दो,
उसके बाद आपको जो करना है करते रहो, हम फिजिकल की तैयारी करेंगे, कम से कम जान तो जाएंगे ना कट ऑफ क्या गया, फिजिकल का कट ऑफ क्या गया, फाइनल का क्या जाएगा, मेडिकल का क्या जाएगा, ग्राउंड में हम रनिंग करेंगे, जान जी लगा देंगे, एक बार रिजल्ट तो आ जाए। लेकिन नहीं, रिजल्ट जारी नहीं होगा, लेकिन नोटिस पर नोटिस वायरल होते रहेंगे, हमारे इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया जाता रहेगा। तो कभी भी डाउट नहीं रखना है, अपने मन में सवाल नहीं रखना है, आपके मन में जो भी सवाल है कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करना है, मैं आपके हर कमेंट्स का रिप्लाई दूंगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है 0KM1, वहाँ पर आकर मेरे को डीएम करो, मैं आपके हर डीएम का रिप्लाई करूँगा। लेकिन अभी अगर आपको एसएससी जीडी के फिजिकल प्रैक्टिस के दौरान 26 मिनट 27 मिनट भी लग रहे हैं, तो आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आप आराम से पास कर जाओगे, देख लेना। एसएससी जीडी की रनिंग बहुत बड़ी महाभारत नहीं है, वो अर्जुन और कर्ण वाली महायुद्ध नहीं है, बस एक स्टेप के साथ, एक स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ते रहना है। मैंने हमेशा बोला है कि एसएससी जीडी का जो फिजिकल है वो फिजिकल ही नहीं, मेंटली निकाला जाता है। इसके लिए अभी से प्रिपरेशन तैयारी शुरू कर दो, मार्केट के खाना को कम खाया करो, अपने गर्लफ्रेंड को अवॉइड करो, उनसे कम बातें करो, देर रात तक फ़ोन मत चलाया करो, पोर्न वीडियोज़ को मत देखो, ढेर सारे संयमित चीज़ें आपको अपने जीवन में लाने होंगे। सोते टाइम गुनगुने दूध में एक चम्मच हल्दी और एक चम्मच घी डाल के पियो, तब जाकर आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। और जब भी स्टार्ट करते हो, बहुत ही ज़्यादा स्पीड स्टार्ट मत लो, एक मीडियम स्मार्ट स्टार्ट लो, मुंह को मत खोलो, ज़्यादा से ज़्यादा नाक से सांस लो, कोशिश करो कि हम पहले अपने बॉडी को ट्यून अप कर लें, गर्म कर लें। जब आपकी बॉडी एक बार गर्म हो जाती है, उसके बाद एक स्टेप के साथ आगे बढ़ते रहना। अगर आपको कोई ओवरटेक करता है तो घबराना नहीं है, क्योंकि एसएससी जीडी में 24 मिनट का समय दिया जाता है, जो 17 मिनट में आएगा वो भी पास होगा, और जो 23 मिनट में आएगा वो भी पास होगा। लेकिन कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताना है मेरे दोस्त कि एक बार एसएससी जीडी का फिजिकल का रिजल्ट जारी कर दो, उसके बाद आपको जो भी बदलाव करने हैं वो आप करते रहना। डॉक्यूमेंट्स को लेकर, मेडिकल को लेकर ढेर सारा चिंता होगा, चिंता नहीं करना है, डॉक्यूमेंटेशन आराम से हो जाएगा, मेडिकल भी आराम से हो जाएगा। बस अभी क्या है, फिजिकल की प्रैक्टिस करते रहो, धीरे 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 आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।